राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में चोरों का आतंक जारी है। चोरों के सामने पुलिस की कार्रवाई बौनी साबित होती नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही मामला काके थाना क्षेत्र में देखने को मिला। कृषि वैज्ञानिक के घर में चोरों ने करीब 10 दिन पहले अपना आतंक मचाया और घर का एक एक सामान लेकर त्रफु चक्कर हो गए। यहाँ तक कि बेटी की शादी के लिए तमाम आभूषण और नगद रखे हुए थे, उसे भी चोरों ने नहीं छोड़ा। आखिरकार दंपति ने थाना में केस दर्ज किया, लेकिन 10 दिन बीत गए, अब तक पुलिस के हाथ खाली है। आखिरकार अब जाए तो जाए कहाँ, यह सोचते हुए एसपी के दफ्तर में कृषि वैज्ञानिक हैं और उनकी पत्नी वह पहुंची और फरियाद लगा रही थी कि हुजूर सुन लीजिए, हमारे घर में एक रुपया नहीं बचा। और पुलिस की कार्रवाई से वह संतुष्ट भी नहीं है, क्योंकि पुलिस एक बार आई थी, उसके बाद एक जांच और पूछताछ करने भी मोहल्ले तक नहीं पहुंची है। ऐसे में वह तमाम जो दंपति दोनों हैं वो काफ़ी टेंशन में दिख रही हैं, क्योंकि हाल में ही बेटी की शादी होनी थी और उसी के लिए तमाम आभूषण जेवरात और सामान इकट्ठा कर रही थी। लेकिन इस बीच दोनों बनारस किसी काम को लेकर गए हुए थे और इसी बीच चोरों ने घर पर जो है वो अपना आतंक मचाया और पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि यह पूरी वारदात जो थी चोरों की सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, लेकिन पुलिस उन चोरों तक अब तक पहुंच नहीं पाई है। इस दौरान जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उम्मीद टूटती जा रही है, सामने बेटी की शादी है और ऐसे में घर में इतनी बड़ी चोरी होना समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। हम 18 तारीख को चोरी हुआ, उसे 20 तारीख को FIR किए हैं, लेकिन आज तक क्या प्रोग्रेस नहीं, अभी तक हमको कुछ पता नहीं लग रहा है। जब भी हम मिले हैं तो बोला गया है कि अभी पूजा है, पूजा के बाद हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे, तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम आ गए हैं SP साहब से मिलने के लिए। कांसे में भी हम कई बार गए, लेकिन कोई आदमी कुछ नहीं बता रहा, लोग कह रहे हैं कि अभी पूजा है, उसके बाद आप हमसे मिलिए, तब हम लोग आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। तो सीधे तौर पर जिस तरह की परेशानी कृषि वैज्ञानिक के समक्ष आ खड़ी हुई है, उससे हर कोई जो है वो रहता तो उसके भी पैर जो है वो डगमगा जाते। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक की पत्नी ने भी बताया कि घर पर पुलिस अब तक नहीं पहुंची, 3 दिनों तक सामान वैसे ही बिखरा छोड़ दिया था, थाना में FIR किया, लेकिन जब थाना में कुछ जानकारी जुटाने जाते हैं तो वहाँ से टाल मटोल जवाब दिया जाता है। भीषण डकैती एक तरह से हुई थी, अब तक क्या कुछ आश्वासन मिला, FIR भी दर्ज कराया गया? कुछ नहीं मिल रहा सर, कोई आश्वासन नहीं, ना कोई आ रहे घर में देखने के लिए, मेरा सारा चीज़ लूट के ले गए, एक चीज़ नहीं बचा है। अरे जितना 20 साल का कमाई था, हम पैसा रख के जमा किए थे, सारा चीज़ ले गया है, ना कोई ज्वेलरी आज तक बचा है, मेरे सिस्टर का भी ज्वेलरी मेरे पास था, वो भी नहीं बचा है। रात नींद नहीं आती, चिंता से एकदम नींद नहीं पड़ती, मेरी बेटी का ज्वेलरी था, सारा चीज़ ले गए हैं। पुलिस से क्या उम्मीद है? पुलिस से चक्कर काट रहे हैं के लिए आए थे कि कुछ हो कुछ होता हम लोग का, लेकिन वो भी कहीं किसी से मिलने नहीं सकते। दो बेटा है, बहू लोग के लिए भी रखे थे, अभी से ही कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, एक ज्वेलरी तक नहीं बचा है, एक 20 रुपया का कान वाला पहने है। एक सप्ताह से अधिक का समय बीत गया, आप चक्कर काट रहे हैं पुलिस कार्यालय, क्या कहेंगे और क्या उम्मीद है पुलिस? उम्मीद तो बहुत था कि हो जाता, रांची का पुलिस है, कुछ हो पाता, लेकिन अब तक तो नहीं हो पाया है। दूसरे का सुनते हैं कि चोरी का माल मिल जाता है वापस, लेकिन मेरा कुछ नहीं अभी तक नज़र आ रहा है। उम्मीद है, अब कोई आश्वासन दे तब उम्मीद रहेगा, नहीं तो मुझे तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये लोग कुछ करेंगे। तो सीधे तौर पर देखे तो राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में वर्चस्व चोरों का चल रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में सक्षम नहीं दिख रही है। अब एसपी के पास गुहार लगाने यह दंपति पहुंची हैं, तो उम्मीद इन्हें है कि एसपी साहब कुछ करेंगे, लेकिन एसपी साहब ने बताया कि अनुसंधान जारी है और इसके बाद चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 19 तारीख का वह दिन था जब काके थाना क्षेत्र के रहने वाले कृषि वैज्ञानिक के घर पर चोरों की नजर पड़ी थी और घर में करीब 20 लाख रुपए से अधिक के आभूषण जेवरात और नगद लेकर चोर फरार हो गए थे। इस मामले के बाद काके थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पुलिस जांच में जुटने की बात कही थी, लेकिन यह जांच किस तरह से चल रही है यह सबके सामने है कि 10 दिन बाद भी कोई क्लू पुलिस के पास मौजूद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।